हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ के Q4 के रिज़ल्ट के बारे में। कल शाम में ये रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है दोस्तों, और अगर हम आज के दिन देखें यानी कि सैटरडे के दिन, तो शेयर मार्केट बंद है। इसका असर हमें मंडे को HCL टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में ज़रूर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव ये वीडियो में हम आगे ज़रूर बताएंगे। बट उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो HCL टेक्नोलॉजीज़ के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, फिलहाल अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज़ की करेंट प्राइस की बात करें तो 956.50 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। कल के दिन हमें इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली, 0.56% के आसपास, लगभग 6 रुपीज़ की गिरावट है दोस्तों। बट जो सबसे मेन खबर आ रही है वो इसके Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ये रियल PDF है Q4 रिजल्ट का HCL टेक्नोलॉजीज़ के, और इसमें HCL टेक्नोलॉजीज़ का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हम फुल एनालिसिस करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिलेटेड, ताकि आपको समझने में आसानी हो, एंड देन इससे रिलेटेड जो दो तीन न्यूज़ आ रही है उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज़ के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू Q4 में 19,885 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 16,518 करोड़ रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है। आफ्टर दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,367 करोड़ रुपीज़ बचा। एट लास्ट 2,256 करोड़ रुपीज़ टैक्स देते हुए इनका नेट प्रॉफिट 1,111 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही बचा दोस्तों। पिछले क्वार्टर से ये काफ़ी कम रहा, और अगर हम देखें तो ऐसा सिर्फ ज़्यादा टैक्स देने के कारण हुआ। पिछले बार से लगभग 4 गुना ज़्यादा टैक्स पे किया है HCL टेक्नोलॉजीज़ ने। इसका रीज़न साफ नहीं है दोस्तों, बट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जो 4 न्यूज़ आ रही है इसके शेयर से रिलेटेड वो बहुत क्लियर है दोस्तों। अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग के द्वारा ये आर्टिकल में HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो खबर है, HCL टेक्नोलॉजीज़ Q4 रिजल्ट रिकॉर्ड डील विंस प्रॉफिट टम्बल 72% ऑन हायर टैक्स एक्सपेंसेस। दोस्तों, इस आर्टिकल में पहली जो खबर है वो HCL टेक्नोलॉजीज़ के फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, सेकेंड हम देखें तो डिविडेंड से रिलेटेड, और थर्ड स्पेशल डिविडेंड से रिलेटेड। आखिरी न्यूज़ की बात करें तो इसके रिजल्ट का एनालिसिस दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों बताया गया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट डिक्लाइंड 72.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹1,111 करोड़। दोस्तों, इनका नेट प्रॉफिट 72% से डिक्लाइन हुआ है, यानी कि गिरा हुआ है, जो कि इसके शेयर के लिए अच्छी बात नहीं है। बट रेवेन्यू 1.7% से बढ़ा है, दैट्स द गुड साइन फॉर इट्स शेयर होल्डर दोस्तों। सेकेंड, इनके बिग प्रोजेक्ट डील से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, द कंपनी रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर न्यू डील बुकिंग दिस क्वार्टर एट $3.1 बिलियन, यानी कि 21,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा। ये इनके फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो $3.1 बिलियन की जो इनको प्रोजेक्ट मिली है वो इनके आने वाले रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, थर्ड न्यूज़ की बात करें तो इंटीरियम डिविडेंड से रिलेटेड है, जो कि ₹6 पर शेयर के हिसाब से इनके शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट ₹10 का स्पेशल डिविडेंड भी दिया जाएगा, जो कि कंपनी के $10 बिलियन इन ईयरली रेवेन्यू माइलस्टोन की खुशी में दिया जाएगा। और ये HCL टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ आ रही है, यानी कि अगर हम देखें तो ₹16 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया जाएगा। ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में अनाउंस हुआ सबसे अच्छा न्यूज़ है, जो कि इनके प्रमोटर्स और इनके शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा खुशी देगा। इन टोटल अगर हम बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज़ आ रही है इसके Q4 के रिजल्ट्स के वजह से। दोस्तों, अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, HCL टेक्नोलॉजीज़ एक IT कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेटेड कंपनी है दोस्तों। इन फ्यूचर इसका ग्रोथ हमें अच्छा ही देखने को मिलता है, IT सेक्टर आगे बढ़ने ही वाला है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो COVID-19 का इस पे ज़्यादा असर नहीं होगा। एज ऑल दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना कीजिए।
थोड़ा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस एंड रिसर्च ज़रूर कीजिए। मंडे के दिन अगर हम देखें तो हमें इसके शेयर में थोड़ा सा डाउनसाइड भी देखने को ज़रूर मिल सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट एज अ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अभी गेन देख रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर